जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर रियलमी नई नई डिवाइस को यूज़ करते हैं तो आपके लिए एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि यहाँ पर अर्ली एक्सेस की अपडेट की बजाय यहाँ पर ओपन बीटा का भी अपडेट अब मिलना स्टार्ट हुआ है। सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करेंगे, तो एंड तक देखना इस वीडियो को, और वीडियो अच्छे तो लाइक करना और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में रियलमी के रिगार्डिंग हर अपडेट्स की न्यूज़ देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रियलमी नाइन आई के लिए जो अपडेट था वो यहाँ पर ऑफिशियली अर्ली एक्सेस वाला जो अपडेट था वो यहाँ पर आज से एक महीने पहले रिलीज हो चुका था। उस समय भी हमने आपको वीडियो बना के सब कुछ बताया था कि रियलमी नाइन आई के अंदर जो अर्ली एक्सेस का अपडेट रिलीज हो चुका है। अभी क्या है कि रियलमी नाइन आई के लिए ओपन बीटा का अपडेट रिलीज हुआ है। अगर आपके डिवाइस में यहाँ पर RMX 3491 ये आपका डिवाइस का मॉडल नंबर हो गया, वर्जन की बात करें तो 8.15 या 8.17 का अपडेट चल रहा है अगर आपके डिवाइस में, तो आपके डिवाइस के लिए जो है यहाँ पर रियलमी Y 3.0 एंड्रॉइड 12 का ओपन बीटा का अपडेट यहाँ पर मिल चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने डिवाइस का सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है। ऊपर सेटिंग का एक लोगो देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना, वहाँ पर ट्रायल वर्जन लिखा होगा, ट्रायल वर्जन के ऊपर भी क्लिक कर देना। वहाँ पर फिर एक फॉरम निकला हुआ देखने को मिलेगा, उस फॉरम के ऊपर जो है आपको नीचे सबमिट वगैरह सब कुछ फिलअप करना है, या तो मोबाइल नंबर फिलअप कर दीजिए या फिर उसमें जो है अपना ईमेल आईडी फिलअप करिए। मैं आपको कहूँगा कि ईमेल आईडी ही फिलअप करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, तो ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आप फिलअप कर देना अपने यहाँ पर रियलमी 9i के अंदर। इससे क्या होगा कि यहाँ पर लगभग 24 आवर में जो है अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियली तो रियलमी ने जो है यहाँ पर रियलमी UI 3.0 का जो ओपन बीटा का अपडेट है रियलमी 9i के लिए आज सुबह 10 बजे यहाँ पर पब्लिश कर दिया था, पर अभी भी कई लोगों जो है अपडेट वहाँ पर ट्रायल वर्जन में शो नहीं कर रहा है। तो चिंता वाली बात नहीं है, आपको जो अपने डिवाइस में यहाँ पर चेक करते रहना है, आज कभी भी जो है उसके अंदर ट्रायल वर्जन में वो अपडेट शो कर सकता है, क्योंकि ऑफिशियल यहाँ पर रियलमी की तरफ से कन्फर्म कर दिया गया और बता दिया गया कि यहाँ पर रियलमी UI 3.0 का ओपन बीटा का जो अपडेट है वो रियलमी 9i के लिए रिलीज हो चुका है। अगर आपके पास रियलमी 9i डिवाइस है ना, तो अपने डिवाइस को चेक करिए सेटिंग में जाके, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके, ट्रायल वर्जन में फॉरम निकला है फॉरम को फिलअप करिए। फॉरम फिलअप करने के बाद विद इन 24 आवर्स में जो है अपडेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा आपके डिवाइस में। अपडेट साइज 4.5 GB या 4.6 GB के आसपास रहने वाला है। अब जिनके डिवाइस में अर्ली एक्सेस का अपडेट चल रहा है ना, उनके डिवाइसेज के अंदर भी अपडेट यहाँ पर मिलेगा, बट अपडेट का साइज उनके लिए कम होगा। बट जिनके डिवाइस में पहली बार रियलमी UI 3.0 इंस्टॉल होगा ना, उनके लिए 4 GB से ऊपर अपडेट होगा, 4.5 GB से ऊपर अपडेट यहाँ पर मिलने वाला है आपके डिवाइस के अंदर। तो चेक करते रहिए, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको कैसे जाके फॉरम वगैरह फिलअप करना है वैसे फिलअप करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक देखने को मिलेगा, ऑफिशियल रियल मीडिया का नाम से देखने को मिलता है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेना वहां पर भी हमें। फिलहाल तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर। अगर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको अपडेट यहां पर शो कर रहा है ट्रायल वर्जन में, नहीं कर रहा है तो चिंता वाली बात नहीं है, चेक करते रहो, आपके डिवाइस में कभी भी शो कर देगा। 24 आवर्स के लिए जो इस फॉरम को निकाला गया है, आप उसके अंदर फॉरम फिलअप करोगे तभी आपको अपडेट यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाएगा और चैनल को यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस डिवाइस के रिगार्डिंग हर अपडेट की न्यूज़ देखने को मिलती रहेगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।